हेलो बच्चो लेट सी दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ऑफ हेस इज इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया विच इज एन अटन रिसेसिव डिसऑर्डर डिसट आर द दांसेस ऑफ प्रेगनेसी रिजल्टिंग इन एन इफेटेड चाइल्ड ऑप्शन ए हंड्रेड परसेंट ऑप्शन बी नो चांस ऑप्शन सी फिफ्टी परसेंट एंड ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव परसेंट सो क्वेश्चन में बोला है कि जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो थैलेसीमिया के लिए अगर कैरियर्स प्रेजेंट हैं तो क्या चांसेस हैं कि जो इफेक्टेड चाइल्ड है क्या परसेंटेज होगा एफेक्टेड चाइल्ड का सो द की कॉन्सेप्ट इज थैलासीमिया सो थैलासीमिया क्या होता है थैलासीमिया हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एंड इट इज ब्लड रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो जनरली हमें हमारे पेरेंट्स से पास होते हैं उनके जीन्स के थ्रू पास होते हैं ना अगर हम देखें कि थैलासीमिया क्या होता है तो थैलासीमिया इज कैरेक्टराइज बाय बॉडीज इनएबिलिटी सो इट इज कैरेक्टराइज बाय बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन सो so, जो हमारी बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन अगर प्रोड्यूस uh, नहीं कर पाती है इनफ सो so, जो हमारे बॉडी uh, होती है उसके लिए हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड वॉट हीमोग्लोबिन डाजे हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है सो so, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है आरबीसी और हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं नाउ अगर हम बात करें हमारे uh, थैलेसीमिया की तो हमारे थैलेसीमिया जनरली दो डिफरेंट टाइप्स का देखा जाता है या तो हमारा अल्फा थैलेसीमिया होता है या फिर हमारा होता है बीटा थैलेसीमिया सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमिया एंड ये जो होता है ये totally, टोटली जो भी जीन म्यूटेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा थैलेसीमिया हो रहा है सो uh, जनरली so, इसमें एनीमिया वगैरह देखा जाता है ना अगर हम बात करें लेट्स uh, से हमारा एक हमारे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अगर इसमें कैरियर बताए गए हैं सो so, कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे अनअफेक्टेड पर्सन होते हैं सो लेट्स से ये हमारे कैरियर हैं सो so, ये हमारी मदर है एंड द सेकेंड वन हियर इज फादर एंड ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों ही हमारे कैरियर्स बोले गए हैं सो so, ये अनफेक्टेड हैं बट ये जो है uh, अपने पास एक uh, जो जीन है थैलासीमिया का वो कैरी कर रहे हैं जो कि ऑटोजोमल उसमें चला आ रहा है ना अगर हम देखें कि इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे सो हम एक साइड पे ले लेते हैं यहाँ पे मदर का एंड इस साइड हम ले लेते हैं फादर का ना अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो जो हमारा पहला आएगा वो आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए सो ये हमारा अनएफेक्टेड है Uh, इधर आएगा हमारा कैपिटल ए स्मॉल तीसरा भी हमारा कैपिटल स्मॉल so, हमारे कैरियर होंगे एंड लास्ट में आएंगे हमारे स्मॉल so, हम इनका uh, प्रोजिनी देखते हैं तो हमारी वन रेस टू टू रेस टू वन में आएगी सो so, इसमें जो हमारे कैपिटल ए कैपिटल ए है वो एक आएगा दो आएंगे हमारे कैरियर कैपिटल ए स्मॉल एंड तीन थर्ड आएगा हमारा विच इज अफेक्टेड सो so, ये जो होगा ये हमारी अफेक्टेड पॉपुलेशन होगी जो कि होगी हमारी ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारी जो अनअफेक्टेड है वो आएगी ऑल्सो ट्वेंटी फाइव परसेंट बिकॉज हमारा एक ही uh, इसमें दिखाया है कि वो हमारा uh, एक ट्वेंटी फाइव परसेंट की ही प्रोबेबिलिटी है अनफेक्टेड uh, होने की और जो हमारे कैरियर्स होंगे सो हमारे जो कैरियर प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारी फिफ्टी परसेंट सो so, अगर हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो हमें पूछा है कि हमारा अफेक्टेड क्या कितना परसेंटेज होगा वो हो होगा हमारा ट्वेंटी फाइव परसेंट सो देो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक